हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेम वर्ल्ड एजुकेशनल हब। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा मैट्रिसेस पे। यहाँ पर हम लोग इंटरमीडिएट के लिए क्लास एलेवेंथ या क्लास ट्वेल्थ में आपका मैट्रिसेस चैप्टर होता है। आप किसी भी बोर्ड में बिलोंग करते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर मैट्रिसेस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में ऑर्डर कैसे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे पहचानते हैं और किस तरीके से उनकी नंबरिंग होती है। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। ये मैट्रिसेस का लेक्चर टू है। आई होप आपने पहला वीडियो देखा होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, देन आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो एंड कम बैक टू दिस वन, ताकि आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि मैट्रिक्स ला जैसे सपोज मैंने लिखा यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब आप मुझे बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है। जस्ट थिंक एंड राइट इन योर नोटबुक, बिना मेरा आंसर देखे पॉज करके लिखिए नोटबुक में और फिर मेरे वीडियो से मेरे आंसर से मैच करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। आपको ऑर्डर बताना है। आई होप आपने अपना आंसर पॉज करके लिख लिया होगा। देखिए, ऑर्डर पहचानने का तरीका मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आर सी होता है। आर सी मतलब रो और कॉलम, मतलब पहले हम रो कंसिडर करेंगे फिर हम कॉलम कंसिडर करेंगे। तो रोज़ कितनी है, यहाँ पर दो हैं तो टू, और कॉलम कितने हैं 1 2 2 है तो 2 बाय 2। तो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का कितना है 2 बाय 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और नंबर करिए आप एलिमेंट्स को। तो वीडियो पॉज करिए और एलिमेंट्स को नंबर करिए। लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि एलिमेंट्स कैसे डिनोट किए जाते हैं। आई होप आपने वीडियो पॉज करके अपने आंसर लिख लिए होंगे कॉपी में। तो आप मैच करिए यहाँ पर। अब सपोज़ फर्स्ट एलिमेंट था तो हमारा ए वन वन फर्स्ट एलिमेंट है और ए वन वन होता है, यहाँ पर है 1। फिर ए 1 2 पे हम आए, ये 1 1 था, ये 1 2 है। कैसे, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है ये 1 1 1 2 कैसे आ रहा है, तो उसके लिए प्लीज़ आप लास्ट वीडियो देखिए। मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से एलिमेंट्स को पहचाना जाता है। फिर ए 2 1 है 3 और ए 2 2 है 4, ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, आपको मैं एक बार और यहाँ पर हिंट दे रही हूँ, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए और आपका एक बार रिवीजन मैं यहाँ दे देती हूँ। ए 1 1 क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फिर ए 1 2 क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, ए 2 1 क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है और ए 2 2 क्योंकि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है। इस तरीके से ए 1 1 के लिए 1, ए 1 2 के लिए 2, ए 2 1 का 3 है वैल्यू और ए 2 2 की है 4। तो आई होप आप ये कर पाए होंगे क्वेश्चन, आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलेंगे और आप बुक के ऑर्डर से इसको मैच करेंगे तो शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, बट हाँ, इट्स अ प्रॉमिस कि आप इस सीरीज़ को देखिए मैट्रिसेस की और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको एक एक चीज़ डिटेल में डीप में मैं समझाऊंगी कि आप कभी भी मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। मेरे इस सीरीज़ में आपको चैप्टर वाइज, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो इस मैट्रिसेस की सीरीज़ में आपको एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी मैं। और आप इससे लगातार आप वीडियोस देखते रहिए, पर डे वीडियो अपलोड होंगे और आप उन क्वेश्चंस को सीखिए और उन क्वेश्चंस को अपने बुक में ढूंढिए, बुक में एक्सरसाइजेस में जाइए और फटाफट सॉल्व करिए। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आपके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में, जस्ट आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगी। तो आइए आगे देखते हैं। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके कोर्स में हैं और आपको आने चाहिए। तो यहाँ लास्ट, तो अभी आपके सामने हमने यहाँ ऑर्डर को और एलिमेंट को रिवाइज़ किया है, ये लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ ही चुके थे। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, हम अगर आपसे कहते हैं कि मैट्रिसेस ओरिजिनेट कहाँ से हुई हैं, आई कहाँ से हैं, तो अब आप देखिए यहाँ पर होता क्या है कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग पढ़ा करते थे। आपने पढ़ा 2x माइनस
3y इक्वल्स टू 7, ये एक इक्वेशन हो गई। फिर 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 11, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। जब एक से ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं तो हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें? जब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं तो कभी कभी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो मैंने बड़ी सिंपल इक्वेशन लिखी है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं, और मैट्रिसेस से जो इक्वेशंस होती हैं वो जल्दी सॉल्व होती हैं एज़ कम्पेयर्ड जब आप उन्हें डायरेक्टली सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? आप देखिए, यहाँ पर दो कोफिशेंट हैं, दो अननोन है, एक एक्स एक वाई है, एक एक्स एक वाई है दोनों ही इक्वेशंस में, और एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 3, 5, 4 और 7, 11। तो ये मैंने इस तरीके से इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाना है। तो 2, 3, 5, 4, क्योंकि 2 इक्वेशंस है तो 2 आपके जो है रोज तो होनी ही है। इसके बाद हम इसके कोफिशियंट्स को लिखते हैं और इक्वल लगा के हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे जो आपके राइट हैंड साइड पर है। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है। ये एक तरीका होता है किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि ज़रूरी हैं, आपके कोर्स में हैं, आपकी बुक में दिए होंगे, पर आपको कभी कभी समझ में नहीं आते। तो आइए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रो मैट्रिक्स? बहुत सिंपल है, मैं लेमैन लैंग्वेज में समझा दूंगी ताकि आप लोग भूलें ना। रो मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। रो मैट्रिक्स क्या होता है देखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है देखेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स देखेंगे क्या होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे। कभी कभी बुक की डेफिनेशंस जो होती हैं आपको समझ में नहीं आती हो, बुक से पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आपको मैं यहाँ पर इतने क्लियरली समझाऊंगी, इतने लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगी कि आप भूलेंगे नहीं इन चीज़ों को। तो देखिए, रो मैट्रिक्स मतलब अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, ठीक है ना? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ कि अभी हमने रो कॉलम पढ़ा था, अगर ये 1, 2, 3 या लिखा था 1, 2, तो यहाँ आप देखिए ये हो चाहे ये हो, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या हुआ हुआ यहाँ पर देख रहे हैं आप, रो एक ही है, कॉलम भले ही दो हैं, यहाँ पर भी रो एक है, कॉलम भले ही तीन है। तो जिसमें जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। सिंपल, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान था। जिसमें एक रो वो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम वो कॉलम मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो कैसे लिखेंगे? जहां पर सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो सपोज हमने लिखा 1, 2, 3, या हमने लिखा 1, 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन रोज हैं पर कॉलम एक ही है, या यहाँ पर भी दो रो हैं पर कॉलम एक ही है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स, और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो कहलाती है रो मैट्रिक्स। तो आई होप आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चंस हैं इसमें आपके एक्सरसाइजेस में, आप उन्हें देखिएगा क्योंकि वो आइडेंटिफाई करने को कहते हैं, और एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन के साथ भी कभी कभी आ जाता है 1-2 नंबर में, तो आप उसे ट्राई करिएगा, बुक में ढूंढिएगा कहाँ दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है। बहुत ही इजी है, कुछ भी ऑर्डर हो। अब आप ऑर्डर समझ चुके हैं, हमने कहा 2x2 मतलब जिसमें दो रो दो कॉलम हो, हमने कहा 2x3 मतलब जिसमें दो रो हो तीन कॉलम हो। हम लोग RC का कंसेप्ट जानते हैं, RC स्टैंड्स फॉर रो इंटू कॉलम। यस, RC स्टैंड्स फॉर रो इंटू कॉलम, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो हम पहले रो कंसिडर करते हैं फिर कॉलम, पहले रो को काउंट करते हैं फिर कॉलम को। तो अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है या 3x3 की मैट्रिक्स है, डजेंट मैटर। द थिंग विच मैटर इज दैट कि अ मैट्रिक्स
हुज ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, NULL, नल मैट्रिक्स. तो जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाती है. यहाँ आप देखिए 2x3 ऑर्डर था, मतलब दो रो तीन कॉलम थे, यहाँ टू रो टू कॉलम थे. तो जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो हों उसे हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं. देखिए कितना आसान था. ऑर्डर्स को हम लोग जनरली m × m से डिनोट करते हैं, ऑर्डर को हम m × m से डिनोट करते हैं, ठीक है ना. ये कहीं पर भी आप चाहें तो m × n से ही डिनोट कर सकते हैं, पर ऑर्डर हम लोग r c के कॉन्सेप्ट से ही करते हैं. समझ में आ रहा होगा आई होप आपको. अब आती है बात स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है. स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जो रेक्टेंगल ना हो. वेरी सिंपल. अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, रेक्टेंगल ना हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स. बिल्कुल, क्यों नहीं. आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का शेप क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, बट दिस मैट्रिक्स इन द स्क्वायर शेप. बट व्हेन इट अकर्स दैट अ मैट्रिक्स इज इन स्क्वायर शेप, ऐसा तब होता है जब m और n की वैल्यू सेम हो. जी बिल्कुल. सपोज m और n की वैल्यू 2 है, तो क्या हुआ, 2 × 2 हुआ, 2x2 की मैट्रिक्स हुई, ऑर्डर 2x2 हुआ. 3x3 हुआ तो भी ये m और n की वैल्यू सेम है, तो कैसे बनेगी ये मैट्रिक्स, 1 2 3 4, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. 1 2 3 4 5 6, ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन हाँ 8 9 0 ये स्क्वायर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, मतलब m और n की वैल्यू सेम है. तो जिस मैट्रिक्स में m और n की वैल्यू सेम होती है वो कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स. और जिसमें हमारी इसको एन और एम की वैल्यू सेम नहीं है, जैसे इसमें सेम नहीं है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. सो सिंपल. तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एम और एन मतलब जो ऑर्डर है वो सेम हो, 2x2 3x3 4x4 कुछ भी हो सकता है वो. तो जिसमें एम और एन की वैल्यू सेम है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है. जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो हैं वो नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है. जिसमें एक कॉलम है, रो नंबर ऑफ रो कितनी भी हो डजेंट मैटर, बट नंबर ऑफ कॉलम सिंगल है, वन है, वो होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स. और जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो वन है, डजेंट मैटर कॉलम कितने भी हों, जैसे यहाँ कॉलम देख रहे हैं आप 2 हैं, यहाँ कॉलम 3 है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास रो 1 थी तो हम इसे रो मैट्रिक्स ही कहेंगे हमेशा. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे. मैंने आज डिस्कस किया है कि किस ये आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करे हैं, या हमने हेडिंग नहीं लिखी थी, बट हाँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम डिस्कस कर रहे थे. टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने डिस्कस की, रो कॉलम जीरो स्क्वायर. कुछ टाइप्स और हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के वीडियो में हमने यही टाइप डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ हमने फिर से रिवाइज़ किया कि ऑर्डर कैसे डिनोट करते हैं, जो आपका m बाई n वाली चीज़ होती है, और कैसे एलिमेंट्स को हम नंबर करते हैं, किस तरीके से मैट्रिसेस ओरिजिनेट हुई, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम लोग मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ये देखा. तो ये सभी चीज़ें आज हमने देखी हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद ही आपको मेरे नोटिफिकेशंस की लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती है. तो आपकी इस सीरीज़ में मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लाऊंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते हैं वो यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.